आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट और टेस्टी चावल की खीर। हेल्दी भी है ये और टेस्टी भी है। कैसी बनी है ये रेसिपी देखने के लिए आगे तक वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर। बहुत झटपट बनाने वाली हूँ, देर हो गई है। तो मैंने यहाँ पे ये पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा था, उसमें मैंने नारियल और भुनी हुई खसखस ग्राइंड करके डाली है। पानी उबल रहा है और यहाँ मैंने चावल भिगो के रखा था, वो अभी ग्राइंड करूँगी और इसमें डालूँगी। ये चावल मैंने धो के रखे हैं, भिगोने नहीं है हमें चावल, सिर्फ मैंने धो के रखे थे। अब ये मैं मिक्सी के जार में ग्राइंड करूँगी। और ग्राइंड करना है हमें, तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। मैं इस खीर में घी वगैरह कुछ नहीं यूज़ करने वाली, आप लास्ट में खाते समय ऊपर से घी ले सकते हैं। अब मैं ये चावल इसमें डाल रही हूँ, खिलाते रहना है हमें। मीडियम फ्लेम पे रखिए गैस। दूध हम लास्ट में डालेंगे, ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसा है मैंने, ऐसे दरदरा रखा है। अभी चावल पकने देना है इसमें। पाँच से सात मिनट तक हम इसे पकने देंगे, फिर इसमें दूध ऐड करेंगे और पकने देंगे। लास्ट में शक्कर और इलायची पाउडर डालेंगे। इस खीर को स्टर करते रहना है। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, अभी तक हमने दूध ऐड नहीं किया है इसमें, लास्ट में दूध ऐड करेंगे। ये मैंने कुछ बादाम काटे हैं, उसमें डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स जो चाहे आप डाल सकते हैं इसमें, और मैं थोड़ी इलायची पाउडर डाल रही हूँ इसमें। और पकाने, स्टर करते रहना है, चावल नीचे चिपक जाते हैं। अब एक दो मिनट के लिए और पकाना है, फिर इसमें डालेंगे चीनी और दूध, और दूध के साथ थोड़ी देर और पकाएंगे। मीठा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, हमारे यहाँ कम मीठा खाते हैं, तो मैं ये दो कटोरी शक्कर डाल दूँ। स्टर करेंगे और फिर दूध डालेंगे थोड़ी देर। अब इसमें दूध डालेंगे, स्टर करते रहना है। ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है खीर और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है। और गाढ़ी होगी ये, और गाढ़ी होगी ये। बस अब दो मिनट में बन जाएगी खीर हमारी। इस तरह हमारी खीर रेडी है, पक गई है, देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। बहुत टेस्ट, झटपट बन जाती है खीर। आप भी बनाएं, और ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।